और अभी कुछ बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ एलडीए के ऑपरेशन के हवाले से, जिसका आज पांचवा रोज है। बिन आलम हाउसिंग स्कीम, ब्लू टाउन और कैनाल व्यू हाउसिंग स्कीम है, जिसके दफातर सरबमोहर कर दिए गए हैं। आपको ये भी आगाह करते चलें कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और शोभा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने मुश्तरक ऑपरेशन किया है और उनको सरबमोहर भी कर दिया गया है। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख जैनुल आबदीन से। जैन, आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। जी, ये डीजी एलडीए आमना इमरान खान की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर लाहौर में वाकई गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जाए। तो इस क्रैकडाउन का आज पांचवा रोज है। अथॉरिटी के शोभा मेट्रोपोलिटन प्लानिंग और शोभा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने ये आज मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन की सरबराही चीफ मेट्रोपोलिटन प्लानर अजहर अली ने की है, जबकि ऑपरेशन डायरेक्टर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बुशरा नसीर और सीनियर स्टेट अफसर अली राजेखू ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ऑपरेशन के दौरान तीन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के साइट ऑफिस सरबमोहर कर दिए हैं, जिनमें बिन आलिम हाउसिंग स्कीम, ब्लू टाउन और कैनाल व्यू हाउसिंग स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा सोसाइटी के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर बनने वाले प्रॉपर्टी के दफातर हैं उनको भी सील कर दिया गया है और इन स्कीमों के मालकान को इंतबाह जारी किया गया है कि स्कीम में किसी भी किस्म की तामीरात करने से कबल एलडीए से मंजूरी ली जाए। अच्छा जैन, ये भी आगाह कीजिएगा कि क्या दौरान ऑपरेशन किसी भी किस्म की मजाहमत का सामना भी करना पड़ा? जी, इस मुजाहमत से बचने के लिए एलडीए के शोभा इन्फोर्समेंट और पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद थी। तो इस वजह से जो आज ऑपरेशन हुआ है इसमें किसी भी किस्म की कोई मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। और इसके अलावा आज की इस ऑपरेशन में ज्यादातर दफातर पर मुहर किए गए हैं और तमीरात को मिसमार नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इन सोसाइटियों की इंतजामी और वहाँ पर जो लोग मुकीम हैं उनकी जानिब से एलडीए टीमों को किसी किस्म की कोई मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा एलडीए की जानिब से तमाम शहर लाहौर में वाकई गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को एक नोटिस के जरिए ये इंतबाह कर दिया गया है कि जो भी स्कीमें अभी तक एलडीए से मंजूर शुदा नहीं है या जो स्कीमें टीएम से मंजूर शुदा हैं उनको हदायत जारी की जाती है कि वो अपने कवायफ लेकर एलडीए के दफ्तर में आए और वहां उनकी स्कीमों की जो मंजूरी है वो दी जाएगी। इसके अलावा शहरियों को भी ये कहा गया है कि किसी भी स्कीम में मालिकान को नोटिस भी जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।